प्रदेश भर में आज 316 परीक्षा केंद्रों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 5388 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। आपको बता दें 5190 पदों पर कनिष्ठ लेखाकार एवं 198 पदों पर राजस्व अधिकारी की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 142 केंद्रों पर जयपुर में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गांधीनगर परीक्षा केंद्र पर, जहां पर अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह का पेपर था? पेपर बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल इजी पेपर, आसान है। किस तरह के क्वेश्चन आए? बस यही नॉर्मल, और लैंग्वेज बिल्कुल इजी। लगातार ये अभ्यर्थी प्रथम पारी का पेपर देकर बाहर निकल रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें 5388 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं राजस्व अधिकारी की परीक्षा का आयोजन आज प्रदेश भर में किया जा रहा है और प्रथम पारी की परीक्षा देकर अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 5388 पदों पर इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया गया है और इसमें 99535 अभ्यर्थी परीक्षा देकर प्रथम पारी को। सर, किस तरह का पेपर था? बहुत शानदार पेपर था। क्वेश्चन इंडिया जी के थे, साइंस के थे, मैथ के थे, हिंदी के थे। डिफिकल्टी लेवल? डिफिकल्ट नहीं, ठीक था, मतलब एवरेज था, शानदार पेपर था। मैम, किस तरह का पेपर था? अच्छा था, इजी। क्वेश्चन इजी थे, कुछ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, थोड़ा बहुत इजी था। जीके ज़्यादा इजी थी, मैथ्स भी इजी थी, इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, सब ओवरऑल इजी था पेपर। पेपर बढ़िया था भैया, और अच्छी तैयारी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं, नॉर्मल ही है पेपर। देखो, 2-5 क्वेश्चन तो टफ भी आते हैं, और वैसे नॉर्मल ही थे क्वेश्चन। अच्छा है, अच्छा था, मीडियम जी। नहीं, मेरे को काफ़ी इजी लगा पेपर, इतना कोई खाया जितना मैंने सोचा था, जितनी प्रिपरेशन करी थी उस हिसाब से काफ़ी इजी आया। जीके मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल था, इतना कोई खास जितना सोच के गए थे, इको सर्वे वगैरह वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। और बाकी 150 थे, उनमें से अटेम्प्ट तो सारे किए हैं, बट वो जो फिफ्थ ऑप्शन है कि नॉट आंसर्ड, वो 28 में सेलेक्ट किया है, तो 112 एग्जैक्ट अटेम्प्ट किए हैं। मेरे को लेवल ठीक लगा, इजी ही मानूंगा मैं तो, इजी टू मॉडरेट आने के, चलो कट ऑफ शायद हाई जाएगी। बहुत इजी लगा मेरे को तो। हार्ड थे कई क्वेश्चन, इजी भी थे और कई हार्ड भी थे। जीके तो इजी था, एक दो क्वेश्चन बताने हैं क्या? जयगढ़ कहाँ पर है, मेहरानगढ़ कहाँ पर है, यूनेस्को में कौन कौन सा मिल है, यही थे क्वेश्चन। साइंस में तो एवरेज था, तैयारी करने को लेवल ठीक था, लेवल एवरेज था मतलब। मेरा बढ़िया हुआ है, 70% के आसपास पेपर जो है, 60-70 के बीच में इजी वे में था पेपर। बाकी 30% थोड़ा लेंथी था, बाकी सब बढ़िया। और इसमें क्या है कि ऑप्शन है ना, थोड़े टाइम कम मिला इसमें पढ़ना अच्छे से। अगर अपन सही से पढ़ सकते थे ना, तो सारे पर्सन अच्छे से कर सकते थे। बढ़िया हुआ है, थोड़ा 5-10 मिनट की टाइम की कमी थी और सब पेपर अच्छा आया था। ये क्वालिफाई तो ये देखो 70 के आसपास तो रहेगी, 60-70 के बीच में, मान के चलो इतनी तो रहेगी। मेरा तो अच्छा ही हुआ, तैयारी भी ठीक है। नहीं, थोड़ा लेंथी है पेपर, थोड़ा हार्ड भी है। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी था, जो ऑप्शन थे ना उसमें समय का ध्यान बहुत जरूरी रखना था, बाकी तो सब ठीक ही था। लंबा खींच गया था पेपर को देखते हुए, बाकी पेपर का लेवल था वो मीडियम था। ऑप्शन बांट के कर रहे थे। मैं जमा रामगढ़ से हूँ, पेपर ठीक है लेकिन थोड़ा लेंथी तो ही है, लेकिन तैयारी करने वाले के लिए बहुत बढ़िया है पेपर। अब सेकंड पारी में डिपेंड पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, अब उसमें तो देखो हार्ड आएगा बिल्कुल। पेपर अच्छा था, सीकर से, सीकर खंडेला, जीके के बढ़िया क्वेश्चन थे, ना तो टफ था ना नॉर्मल था, मीडियम साइज का पेपर था, इंग्लिश भी बढ़िया आ रही थी। देखिए, तमाम अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखाकार और राजस्व अधिकारी भर्ती से जुड़े हैं और इन्होंने अपनी प्रथम पारी का पेपर दिया है और लगभग इनका कहना है कि पेपर का, जीके का स्तर
सरल था और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी देवेंद्र के साथ द नगरी मीडिया।